सीतापुर के कमलापुर थाना इलाके में जमीनी विवाद को लेकर भिड़े दो पक्ष, जमकर चले लाठी डंडे। हमले में एक पक्ष से महिला समेत दो लोग घायल हो गए। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर कमलापुर पुलिस ने आरोपी प्रधान समेत 8 नामजद व अन्य अज्ञात लोगों पर मारपीट तथा अन्य धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया है। कमलापुर पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल ब्लॉक कसमंडा के बसई डीकोल में जमीनी विवाद को लेकर गंगाराम व ममता तिवारी पर विपक्षियों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में गंगाराम और ममता तिवारी को गंभीर चोटें आई हैं। कमलापुर पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्रधान बसई डी गोकरण प्रसाद, बबलू पुत्र नंदलाल, खेलू छोटू हरिवंश, नंदलाल राजेश पुत्र गढ़ भंगड़, कन्हाई पुत्र नंदीदीन पर मारपीट समेत अन्य धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया है। मामले की जांच वरिष्ठ उप निरीक्षक मोहम्मद खालिद को सौंपी गई है। मेरा नाम है गंगाराम यादव, मैं पेशे से पत्रकार हूँ। आज जो है मैं अपनी, हमारी बुआ जो है मेरे घर पर रह रही हैं, उनके खेत में भूसा था, वो भूसा उन्होंने बेचा था। भूसा ममता तिवारी पत्रकार ने खरीदा था, तो उनको मैं खेत बताने के लिए गया था मौके पर बसाईडी। वहाँ पर जा करके जब मैं खेत में पहुँचा तो वहाँ पर गांव के कुछ दंगई लोग आए और सीधे हमारे ऊपर हमला हो गए, हमको लाठी डंडों से मारने लगे। इतना मारा कि मैं बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद हमारी जेब में पैसे पड़े थे 10,000 रुपये, वो निकाल ले गए। मोबाइल मेरा तोड़ डाला और मेरे पैरों में इतनी चोट आई है ये देखिए हमारे पैरों पे दोनों, ये गांठ में बहुत चोट है, सूजन है, और ये पैर में फोड़ दिया है, मारा हमको बहुत है। और उसके बाद ये हाथ में भी, ये देखिए डंडों से मारा है, ये मेरा मोबाइल तोड़ दिया है, ठीक। और उसके बाद जब मैं फ़ोन किया, जब मैं होश में आया तब मुझे, मैंने फ़ोन किया थाने पर, PRB में। PRB आई मौके पर, वो मुझको उठा करके अपनी गाड़ी में बैठा करके कमलापुर थाने लाई है। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।